आज नाम चल बढ़िया। नहीं क्यों, तू भी इंजीनियर है? अबे पापी आज तो खुश रहे, आज हैप्पी इंजीनियर्स डे वाला डे है। तो शाउट आउट टू ऑल माय इंजीनियर ब्रोस जो ऑनलाइन मिले और जो रियल लाइफ में अपनी जिंदगी पेल रहे। जॉब मिली नहीं भाई, गॉड इंजीनियर लाइफ ही ना मस्त लाइफ है, मैं जिया नहीं बट उस सर्कल में मेरा बचपन निकला है। बट एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि ऐसी दुनिया का कोई भी काम नहीं जो इंजीनियर नहीं कर सकते, लाइक एक्टिंग, डायरेक्शन, सिंगिंग, स्टैंड अप कॉमेडी तो भरा हुआ है। और लोग बोलते हैं मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, मतलब मैं कहीं पर ट्वीट पढ़ रहा था आज, लिखा है हैप्पी इंजीनियर्स डे बाकी के लिए, मेरे लिए तो बेरोजगारी दिवस है। अबे इतनी ज्यादा ब्रांचेस है, अगर तुम मेडिकल पढ़ो तो डॉक्टर ही बनोगे। इंजीनियर एक लौती ऐसी ब्रांच है ना जहाँ पे करके तुम कुछ भी बन सकते, क्योंकि चूतिया तो तुम पहले ही बन चुके होते हो। कौन बोला भाग बेंच? अबे साले, पर नहीं, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि वो हर फील्ड में है। और मानो या ना मानो मुझे लगता है बहुत कम ड्यू क्रेडिट मिलता है ना जितनी वो मेहनत और जितनी स्ट्रगल करते। तो हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल माय ब्रोस। बस हो गया, इससे ज्यादा तारीफ नहीं देनी, बाकी वो खुद देख लेंगे। ये बताओ ये कंगना दीदी के साथ क्या प्रॉब्लम है? अरे वही कंगना रनावत, भाई साहब आज तो पूरे दिन न्यूज में वही चल रही है। क्या चल रहा है सीन? अभी पहले खबर आई थी कि कंगना मुंबई छोड़ के चली गई है, और उस पर जो बयान दिया वो तो भाई साहब बवाल कर देने वाला था। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था, बट हाँ मैं एग्री नहीं करता कि हाँ वो हर बार ये स्टेटमेंट जब भी बोलेगी मैं कभी एग्री नहीं करूँगा, बट जो हुआ उसके साथ वो गलत था। बीएमसी ने जो किया वो पर्सनल ग्रजेस पे थे, भले ही पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कह रही है, बट ये पावर का मिसयूज़ मैंने पहले भी बोला हुआ सब। पर आज खबर ये आई है कि कंगना रनौत ने बीएमसी पे 2 करोड़ का नोटिस लगवा दिया है, कंपनसेशन मांग रही है वो जो प्रॉपर्टी डैमेज करी है ना गलत तरीके से उस चीज़ पे। तो मतलब समझ रहे हो, बेसिकली सलमान खान की किक चल रही है, कभी वो नोटिस कभी ये नोटिस, टू मच फन भाई साहब। स्वैग होना तो कंगना जैसा हो ना, वरना तुम और मैं चुपचाप बैठ के घर आ जाते, ऐसी बकचोदी करके नहीं आते और लीगल केस तो सोचते भी नहीं। जय जय महाराज, जय सरकार जो भी है। अब इस केस में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। मेरा जो पर्सनल थॉट या ओपिनियन बनता है वो ये है कि कुछ नहीं होने वाला, वो पॉलिटिकल पार्टी है बे, ऐसे तो हजारों केस होते हैं उन पे डेली बेसिस पे, कभी वो गलत साबित नहीं हुए, वो कुछ ना कुछ लूपहोल निकाल लेंगे, स्मार्ट बंदे वो भी। और कोर्ट कचहरी के मामले से तो हम जैसे लोग दूरी नहीं, वो ज़्यादा बेटर है, तो वो देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे लग नहीं रहा कुछ होने वाला है, बट अगेन वो कंगना है, कंगना तेरा नहीं भाई साहब, उससे भिड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, वो इधर से भी बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जया बच्चन, जया बच्चन ने अभी पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया था कि कैसे उस केस के चलते में सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को गलत दिखाया जा रहा है, गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि ये सब करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस इंडस्ट्री से बनाई है, वही इसे गटर कह रहे हैं। और इसी बयान पे रिएक्ट करते हुए कंगना रनौत पलट के बोली है कि अच्छा ऐसी बात है, हैं ऐसी बात है, कल को अभिषेक होता सुशांत की जगह पे लटका हुआ तभी भी तू ये बात बोलती पे। मतलब जिस वजह से बोला था मुझे नहीं मालूम ना, बट मेरे को ऐसी फील आई। मेरे को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहे हैं कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं दिल से काम कर रहा हूँ और उसी कंपनी में मेरी पूरा खानदान है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे फ्यूचर में होने वाले बेटा बेटी, नाती नौती जो भी होता है। सो उस कंपनी को कोई बुरा बोलेगा, मतलब मेरे को बुरा बोल रहा है और वो सेंस बनता है, बट एट द सेम टाइम कंगना की बात में भी लॉजिक है, क्योंकि अगर तुम कंगना का स्टेटमेंट पढ़ते हो तो वो अपनी कहानी बता रही है और सुशांत का केस के साथ भी कंपेयर कर रही है कि कभी तुम्हारी बेटी होती है और उसको ड्रग करते, मोलेस्ट करते, या तुम्हारा बेटा होता है जिसको कॉन्स्टेंटली बुली करते, हरास करते और एक दिन वो लटक जाता तब आपका क्या स्टेटमेंट होता। तो उसका भी एक वैलिड पॉइंट है, बट हाँ बोलने का तरीका थोड़े नाइस वे से हो सकता है, रिस्पेक्टेड सीनियर आर्टिस्ट है, बाकी घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने को। एक और ट्वीट था इसके बाद जिसमें और बातें बोली जो मेरी थ्योरी पे अप्लाई होती है, जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है ना वो है रिश्तेदारी वाला, और ये इंडस्ट्री है, रिश्तेदार का घर नहीं है। तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कंपनी है तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ मैं तेरे को जानता हूँ तो मैं चीज़ें कर रहा हूँ। और आप जिसको डिफेंड कर रहे हो उसमें ही उसने सरोज खान का एग्जाम्पल लिया है, और आप जिसको डिफेंड कर रहे हो उस इंडस्ट्री के लोग ही, एक बार किसी फेमस कोरियोग्राफर ने बोला था कि रेप किया तो क्या हुआ, रोटी तो देता है, कोई प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट नहीं है प्रोडक्शन हाउसेस में जहाँ पे कोई लड़की अपने प्रॉब्लम या सेफ्टी इशू रेज कर सके। अभी तुम पलट के बोल सकते हैं प्रोड्यूसर गिल्ड भी तो होते हैं ये सब जो बना रखे संगठन फिल्म एसोसिएशन, बट इनमें जो लोग होते हैं जो इनको रेगुलेट कर रहे हैं वो भी इंडस्ट्री के ही लोग हैं,
उनके ही रिलेटिव हैं, मतलब समझो मेरी कंपनी में एचआर भी मेरा रिश्तेदार, मालिक भी मेरा रिश्तेदार, एम्प्लॉय तुम, कोई ऑप्शन ही नहीं मेरी कंपनी, मैं तुम्हें तंग करूंगा तुम जाओगे किसके पास, मेरे रिश्तेदार के पास ही ना, तो वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो कंगना अपनी जगह पे सही है और जया बच्चन एज एन पॉलिटिशियन जो बोल रही है वो अपनी जगह पे सही है। तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम तो है, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं कि ये अब आ रहा है, ये बहुत सालों से पता है, कास्टिंग काउच आज भी एग्जिस्ट करता था, वो वाली बात है। और ये प्रॉब्लम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई छोटे शहर से आ रहा है या बाहर शहर से आ रहा है जिसका कोई कनेक्शन नहीं, उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे मैं किसी, मैं अगर काबिल हूँ, क्वालिफाइड हूँ, किसी भी कंपनी में घुस के मैं इंटरव्यू के लिए बोल सकता हूँ, और ये तो वो इंडस्ट्री जहाँ पे काम ख़त्म भी नहीं होता कोई ना कोई कभी ना कभी हमेशा वीडियो बनाने के लिए रहेगा ही रहेगा। तो वो चीज़ है कि हाँ, एक सिस्टम होना चाहिए और ये चेंज आना भी ज़रूरी है। तो कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे जो आइडेंटिफाई और फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। बट अगेन, ये मेरे थॉट्स हैं, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मूविंग ऑन, अभी रिसेंटली हमने बात करी थी अपने कैप्टन अमेरिका के बारे में, नहीं याद वो मम्मी तेरी बहन जो कैसे इंजीनियर बनाए तू बहन अरे उसकी वो न्यूड स्टोरी लीक हो गई थी ना, तो उसी पे बयान दिया है कैप्टन अमेरिका ने, कैप्टन अमेरिका की तरह। अब क्योंकि तुम्हारा अटेंशन मेरे पास है तो 3 नवंबर को वोट करना। भाई इलेक्शन कहाँ है, डोनाल्ड चचा के लिए बोल रहा है वो अमेरिका जाओ, अमेरिका का दलाल बहनचोद, तुझे वोट नहीं देना, तुझे जब आएगा तब बता दूंगा मैं। ये चीज मुझे बहुत सही लगी कैप्टन अमेरिका के बारे में कि हाँ चलो फकअप हो गया, हो गया, अब उसको बेस्ट वे से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो एक अवेयरनेस का मैसेज भी आ गया और वो चीज भी होगी कि एड्रेस भी कर लिया, वो सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, लाठी देखी किसी ने उसकी, मेरी क्या देखोगे चलो बे, अमेरिका का दलाल बहनचोद। भाई साहब कैप्टन अमेरिका जैसे नेता होने चाहिए देश में, सही बोल रहा हूँ भाई, कैप्टन अमेरिका जैसे नेता होंगे ना तो ही बेटर वर्ल्ड बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो तुम्हें मालूम ही है गौमूत्र पियो करुणा नहीं होगा मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर उसके फैन आ जाते हैं ट्विटर पे मजे लेने मेरे से। तो एक नेता था राजस्थान का, 1 महीने पहले उसकी वीडियो आई थी, वो कीचड़ में नहा रहा था, संग बजा रहा था और ये क्लेम कर रहा था कि ये करोगे ना नो कोरोना, कोरोना गो कोरोना। और आज खबर आ रही है कि जब ये पार्लियामेंट सेशन हो रहा था तो इसका जो टेस्ट हुआ उसमें कोरोना पॉजिटिव आया है क्या हुआ सर, संग बजाना छोड़ दिया था या कीचड़ में नहाना? एक थे चुम्बिन बाबत भी थे, बाबा कहते चूम के कोरोना ठीक कर देंगे, बाद में उनको ही कोरोना निकल गया। भाई सीरियस टाइम है, मजे मत लो, अभी 1 लाख डेली केसेस आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, जब तक वैक्सीन आएगी कितने लोग रिस्क में हैं। तो जितना सेफ्टी कर सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो और टाइम टाइम हाथों में सैनिटाइजर लगाओ या साबुन से हाथ साफ करो, प्रॉपर टेक केयर करना है। नहीं नहीं करोगे तुम हैं? हाँ क्यों करोगे, लुखे जो ठहरे हो सालो लाइक क्या तूने? नहीं मेरी वीडियो लाइक नहीं होगी, बट दूसरे वहीं पर कोई लड़की की वीडियो आ जाए करने है, ऑब्जेक्टिफाई करने पहुंच जाता कमेंट सेक्शन में। पता नहीं कौन है, एक अंग्रेजी मतलब टीचर है मैथ की, जो यूट्यूब पे वीडियो बना रही थी तो किसी ने उसका कमेंट चेक कर लिया गलती से, वो बंदी अपना काम कर रही, पढ़ाने की कोशिश कर रही है, पढ़ाने तो ना बहनचोद। और एक चीज़ नोटिस करना, इस कमेंट सेक्शन में मोस्टली लोग ना फेसलेस हैं, वो पुरानी कहावत याद आ जाती ना कि बंदे को मास्क लो वो अपने असली रंग दिखा देता, वो वाली बात है। अब तुम बोल रहे हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो भी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, क्लियरली तुम्हें ज़रूरत है एजुकेशन की, बट वो सही से ले ली होती तो ये सब नहीं कर रहे होते ना साला। इसलिए ऐसी हरकतों की वजह से ना तुम्हारी, मेरा डायलॉग चेंज करना पड़ा है, अगले जन मुहे मत कीजो वरना पहले बिटिया होता था, क्या क्या झेलना पड़ता उनको। और एक मिनट, इसके लिए तो मैं इंजीनियर के साथ साथ लड़कियों की तारीफ करना चाहूँगा कि इतना कुछ झेलने के बाद भी कभी गिव अप नहीं मारते। हाँ ठीक है, हम लड़के अपने दर्द शेयर नहीं कर पाते या हमारे बारे में कोई बात नहीं करता, बट एट द सेम टाइम उनकी भी एक स्ट्रगल है, और ट्रस्ट मी डेली बेसिस पर उन्हें लग जाए हमारे साथ वो सारी चीज़ें, ओ तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। करेज की मिसाल है, और अगर तुम्हें लड़कियों से प्रॉब्लम तो याद रखना, जब हम बोलते हैं ना हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं, और नहीं है तो तुम्हारे रिश्तेदारों में होगी, उनके लिए भी वही सोच रहा हूँ फिर। और हाँ, इस पर लड़कियों खुश मत होना, आई एम ऑल मेन आर डॉग, घर पे बाप है ना। अबे यार हम दोनों डिफरेंट है बट एट द सेम टाइम बहुत सेम है, सर शो सम रिस्पेक्ट। और ऐसी चीज़ों से लड़कियों बुरा फील नहीं करना, छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन है सब, जो ऐसी बात करेगा छोटी लुल्ली वाला लेस्बियन। और ये एक्चुअली लड़के भी नहीं, ये मेंटालिटी है जो चेंज होने को तैयार नहीं, और ये आएगा एक ना एक दिन आएगा, और कोई लड़की ही लेके आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरठ की एक लड़की थी जिसके घर वाले चाहते थे उसकी शादी हो जाए जबरदस्ती,
और उसने मना कर दिया मेरे को, नहीं करनी, भाग गई, घर छोड़ के भाग गई, हैप्पी भाग जाएगी। और आज की डेट में वो पीएससी एग्जाम क्लियर कर चुकी है और पीएससी ऑफिसर बन गई। पीएससी होता क्या है? अरे कोई सिविल सर्विस की बात है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, आई वाज बोर्न इन उगांडा, स्टडीड इन पांडिचेरी, सो लिटिल स्लो इन एवरीथिंग, बट टफ एग्जाम होगा क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम कभी ईजी नहीं हुए। और अभी वो ऑफिसर बन गए और अभी वो कह रही है उसकी, मतलब इंटरव्यू जो था उसमें था उसका कि अब मैं यूपीएससी की तैयारी करेगी, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि सारे ऑड कितना, मतलब घर से निकलना कोई छोटा डिसीजन नहीं होता, भागना वो भी कि आगे क्या होगा, कहाँ रहूँगी, कहाँ रहूँगी, और पैशन है किसी चीज़ को पूरा करने का, तो अगर तुम डेडिकेशन रहोगे, पैशनेट रहोगे, तुम अचीव कर सकते हो, और उसके लिए ही ये चीज़ है। और तो संजू मैडम जी, ग्रैंड सल्यूट आपकी डेडिकेशन और करेज के लिए, क्योंकि ये एक स्टोरी जो है वो बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकती है, मेरे को ऐसा लगता है, और बहुत ब्रिलियंट है, रिस्पेक्ट। चलो फिर इसी नोट पे ग्यारह टू का ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं बस तुम से थोड़ी देर में सेकंड चैनल पे, तब तक के लिए पीस आउट। अच्छा आज तो मेंबर्स ओनली करनी है ना अपने को, जाओ नहीं मिलूंगा, मेंबर्स ओनली स्ट्रीम सेकंड चैनल पे, आज आ रहा हूँ तो 15 मिनट पब्लिक रखूंगा, उसके बाद मेंबर्स ओनली चालू करता, नहीं आएगा, आएगा ना, घबराएगा तो नहीं, चलो भाई, चलो भाई, पीस। सच बोलू मैं ऑफेंड होना है, गाली दू मैं ऑफेंड होना है, सांस लू मैं ऑफेंड होना है, ऑफेंड होने का यही आज का क्या, रिश्तों के ना कब्रिस्तान नहीं होते, और अच्छा है, क्योंकि अगर रिश्तों के कब्रिस्तान होते ना तो जमीन कम पड़ जाती। ट्रू स्टोरी ब्रो।